वेलकम बैक। आइए एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल VK Glory English में स्वागत है। एक नए वीडियो के साथ बिल्कुल ही रोमांटिक वीडियो, जो कि बहुत ही एक इजी कॉन्सेप्ट, जिसके लिए बड़े बड़े दिग्गज भी मात खा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियां कर रहे हैं, लेकिन बस एक चीज आप सीख लीजिए, ये गलती आपसे दोबारा नहीं होगा। तो बिल्कुल इस पर कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए आप वीडियो का स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए। बहुत ही छोटा सा वीडियो, खाते पीते हंसते गाते भी आप देख सकते हैं और वो कॉन्सेप्ट जिंदगी भर आपका हो जाएगा। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखिए मॉडल वर्ब आप लोगों को समझ में आता होगा। मॉडल वर्ब, ये मॉडल वर्ब जो है वो आप सबको पता होगा कि इसकी नंबर ऑफ मॉडल वर्ब जो है वो 24 होता है। इसको याद करना देखिए कितना आसान है। मॉडल वर्ब टोटल वर्ब हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी है 24, इसमें मॉडल हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी होगी 14 होगी। और ये 14 कितने इजी है वो आप देख लीजिए। कैन बोलते हैं, कैन का जोड़ा क्या हो जाएगा, तो कूड, कैन कूड। में आप बोलिएगा, में बोलते ही आपके पास याद आएगा माइट। सैल बोलिए तो सैल को देखते ही आपके पास शूड आ जाएगा। विल बोलिए तो विल के बाद आपके पास कूड आएगा। कैन कूड, मे माइट, सैल शुड, विल कूड। यूज्ड आप बोलिएगा, यूज्ड बोलते ही आपके साथ आउट आएगा। बहुत सारे लोग इसको यूज टू और आउट टू कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा फुल इन्फिनिटिव लेता है। फुल इन्फिनिटिव टू प्लस वी वन होता है, और इसीलिए इसको बहुत सारे यूज टू और आउट टू के नाम से जानते हैं। और वो होता है डेयर, और इसका जोड़ा जो है वो नीड होता है। मैं जोड़ा इसीलिए कर रहा हूं कि दोनों जो है वो सेम फंक्शन है। और लास्ट में आप मस्त रहिए भाई, मस्त रहिए, मस्त पढ़िए। तो कितना इजी है, कैन बोलते ही आपके पास कुड याद आ रहा है, मैं बोलते ही माइक याद आ रहा है, सैम बोलते ही सुड याद आ रहा है, विल बोले तो उड़ाई, यूज्ड बोले तो औटाई, और डेयर बोले तो नीर, और लास्ट में मस्ती ही मस्ती है मस्त। इस तरीके से 13 मॉडल वर्ब में, और इन 13 मॉडल वर्ब को यूज करना, बस एक बात आप पकड़ लीजिए ना, आपकी जिंदगी यहीं पे बन जाएगी। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई कैन प्ले चेस। एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई कैन प्लेइंग चेस। और एक और मैंने लिखा, आई कैन प्ले चेस। और लास्ट वन, आई कैन प्ले चेस। अब इसमें कैसे आपको पहचानना होगा कि कौन सा सेंटेंस जो है वो सही है? आप ये तो याद रखिए कि मॉडल वर्ब में 13 होते हैं, इनको आपने पहचान लिया, जिंदा कर डाला, पहचानना ही सबसे बड़ी बात है आपको। मॉडल वर्ब है ना, मॉडल वर्ब एक बात को 100% की एक बात, मॉडल वर्ब की बगल वाली पहली होती है। मॉडल वर्ब की बगल वाली पहली, बगल वाली जात मारे लिए ये नहीं याद रखिएगा आप, बगल वाली भी पहली। अब देखिए ये क्या है, मॉडल वर्ब के बाद ये कौन सा फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर आता है ये तीसरा फॉर्म है, ये है वो चौथा है, ये है वो पांचवा है। और मैंने बोला मॉडल वर्ब के बगल वाली कौन होगी, तो बगल वाली हमेशा पहल की होगी। तो यहां पे सही क्या होगा, प्लेज, आई कैन प्लेज, और ये सेंटेंस जो है वो रॉन्ग है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा ये चीजें। और भी एग्जांपल एक तो देख लेता हूं, उसके बाद आपको क्लियर होगा, वीडियो में लंबा नहीं करना चाहता। अगली चीज देखिए, सी मे कमिंग है ना, सी मे कम्स, शी मे कम, सी मे केम। अब देखिए कितना इजी हो गया, मॉडल वर्ब मे है ना, और मॉडल वर्ब के बगल वाली, बिल्कुल बगल वाली को मत बोलिएगा भाई, न तो कोई और लेके जाएगा। यहां देखिए बगल वाली क्या है,
V1 मॉडल हो के बगल वाली आप बिल्कुल याद रखिए, बगल वाली को छोड़िए नहीं, नहीं तो छोड़िएगा तो देखिए इस तरीके का होगा हाल, जो हाल पूरा इन तीन सेंटेंस का हुआ वही सेंटेंस आपका भी बुरा हाल हो जाएगा बगल वाली को छोड़ने के लिए। तो इस तरीके से आप कोई भी मॉडल भर दे सकते, एक भी गलत नहीं होगा। आई सेल बी आप ऐसा लिखे सर, आई सेल बी ए टीचर, आप कुछ भी लिखे ना, आई सेल बी ए टीचर, यू कुड हैव डन दिस। आप हर चीज को देखिए, ये मॉडल वर्ब चाहिए, बगल वाली भीवन बी क्या है भीवन, कूड बगल वाली है क्या है भीवन, ये गलत हो ही नहीं सकता। मॉडल वर्ब के बगल में आप भीवन ही लगाए, बिल्कुल भीवन को ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो कैसा लगा बिल्कुल आप कॉमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।